नमस्कार, हिंदी विभाग से मैं हूं दिव्या तंवर। आज आपके समक्ष उपन्यास व उसकी विकास यात्रा व एवं चर्चित उपन्यासों पर चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि यूरोप से ही उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है और 13वीं शताब्दी से यूरोप में मुद्रण यंत्र का आविष्कार हो चुका था और ऐसे में गद्य साहित्य की जो विकास यात्रा है एकदम उभर के सामने आई थी। और उस समय सामंतवाद का स्थान पूंजीवादों ने ले लिया था और पूंजीवाद का जैसे जैसे बढ़ावा मिल रहा था वैसे वैसे मध्यवर्गीय पाठक वर्ग भी उभर के सामने आए थे। 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य हम यह कह सकते हैं कि मध्यवर्गीय पाठक वर्ग का एक निर्मित रूप सामने आया और उपन्यास की जो शुरुआत मानी जाती है यूरोप से वो 17वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। अब ऐसे में हम यह देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या परिस्थितियां चल रही थी और कब उपन्यास अपने अस्तित्व में आ रहा था। तो हम औपनिवेशिक शासनकाल के बाद ही हम यह देखते हैं कि हिंदी लेखन प्रक्रिया की जो गति है वो बहुत धीमी चल रही थी और ऐसे में 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी उभर के सामने आई। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी उपन्यासिक रचनाएं हैं जैसे बेताल 25 हो गया, सिंहासन 25 हो गया और सबरस हो गया। ऐसी कई विभिन्न विधाएं थी जो सामने आ रही थी, लेकिन यह जो रचनाएं हैं यह सिर्फ बड़े बड़े सामंतवादियों या फिर नवाबों राजाओं के घराने तक ही सीमित थी। ये एक आम जनता इसे सुन नहीं पा रही थी या पढ़ नहीं पा रही थी। तो ऐसे में कोई इसे पढ़ भी पाता तो वह कथावाचक के माध्यम से ही इसे सुन पाता था। उपन्यासों के विभिन्न नाम हैं जैसे कि हिंदी में और बंगला में इसे उपन्यास कहा जाता है और मराठी में इसे कादंबरी कहा जाता है, गुजरात में इसे नवल कहा जाता है और उर्दू में इसे नॉवेल कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे कि हिंदी मुद्रणालय में ईसाई मिशनरियों की क्या भूमिका रही है। तो हिंदी मुद्रणालय में जो प्रकाशित पुस्तकें हुआ करती थी तो उनका जो उद्देश्य था वो ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार का एक मेन कारण था। और दूसरा जो कारण था वो था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करना। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने में फोर्ट विलियम कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे तो उनकी विभिन्न प्रकार की जो किताबें उपलब्ध कराने के लिए स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और ऐसे में अन्य मुद्रणालय की स्थापना भी हुई थी जैसे कि नवल किशोर प्रेस, मथुरा छापाखाना, बनारस छापाखाना इत्यादि, जिनका मूल उद्देश्य यह था कि व्यवसायीकरण। लेकिन एक तरफ ईसाई मिशनरी अपने धर्म प्रचार को बढ़ावा दे रहे थे तो वहीं दूसरी ओर हिंदू भी अपने धर्म को भी बढ़ावा दे रहे थे और ईसाई मिशनरियों के धर्म का विरोध भी कर रहे थे। अनुवादित उपन्यासों के नाम इनमें से कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1840 से लेकर 60 के बीच में कई अनुवादित उपन्यास उभर कर सामने आए थे और वह उपन्यास कुछ इस प्रकार से हैं जैसे कि वामा मनोरंजन हो गया, धर्म सिंह का वृतांत हो गया, वीर सिंह का वृतांत है और मनोरंजन इतिहास है, कथासार है। ऐसे कई ऐतिहासिक अनुवादित उपन्यास थे जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाए इसके लिए बहुत से विवादास्पद प्रश्न आज भी उठते हैं जैसे कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, किसको हिंदी का मौलिक उपन्यास कहा जाए। तो ऐसे में हम यह देखते हैं कि 1803 में रानी केतकी की कहानी एक मौलिक कहानी के रूप में सामने आई थी जो कि पंडित गौरीदत्त कृत यह एक कहानी थी। इसके बाद हम यह देखते हैं कि 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी आई, फिर उसके बाद हम जो कि एक बालिकाओं के पाठ्यक्रम से संबंधित यह उपन्यास निकाला गया था।
इसके बाद हम 1872 में देखेंगे कि वामा शिक्षक, जो कि ईश्वर प्रसाद कृत, यह एक उपन्यास था जो कि यह भी एक शिक्षा को लेकर ही उपन्यास था, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित यह उपन्यास था। इसके बाद हम यह देखेंगे कि 1877 में आया था भाग्यवती। भाग्यवती भी एक आदर्श स्त्री की कल्पना कैसे की जा सकती है, एक आदर्श स्त्री की संरचना कैसे तैयार की जा सकती है, उस पर यह एक उपन्यास आया था। इसके बाद हम 1881 में देखेंगे कि निसाय हिंदू, जो कि राधा कृष्ण दास कृत, यह उपन्यास था। और लास्ट में एक फिर जो एक उपन्यास आया 1882 में, परीक्षा गुरु, इसी को ही इसकी मौलिक कृति की रचना व संरचना के आधार पर ही इसे पहला उपन्यास माना गया था। अब हम आगे देखेंगे कि चर्चित उपन्यास हिंदी साहित्य में कौन कौन से रहे हैं। जैसे कि पहले तो हम यह देखेंगे कि उपन्यास का जो विभाजन है वो किस तरह से हुआ है, जैसे कि प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग। तो ऐसे में जैसे प्रेमचंद जो हैं वो उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं, और उनका जो चर्चित उपन्यास है, जो कि सभी लोग आप लोग जानते हो, 1836 में गोदान आया था। गोदान जिसमें कि गोरी होरी और धनिया की ये कहानी है, जो कि एक कृषि परिवार से संबंधित है। हालांकि आज के समय में यह गुप्त होता चला जा रहा है, जो कृषि जो समाज है वो धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है और शहरीकरण की ओर अवगत हो रहा है। आगे देखेंगे त्यागपत्र जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र कृत, यह एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जो कि एक स्त्री और एक मतलब एक पति और पत्नी के जो जनरेशन गैप है उसको लेकर यह उपन्यास है, कि कैसे दोनों की मनोवस्था बदलती चली जाती है। और तीसरा जो उपन्यास है वो एक मैला आंचल, जो कि फणीश्वरनाथ रेणुकृत है, यह एक आंचलिक उपन्यास है और ग्रामीण समाज में जो व्याप्त हो, जो ग्रामीण दशा और दिशा है उसको दिखाया गया है। मैरीगंज एक गाँव है। और चौथा जो उपन्यास है आधे अधूरे, मोहन राकेश कृत है। तो इस तरीके से विभिन्न उपन्यास हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य में, और यह है हिंदी साहित्य के चर्चित उपन्यास है, और मुझे लगता है कि यह सबको पढ़ना चाहिए। और धन्यवाद।